नमस्ते, आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे तिल मूंगफली के बहुत ही सॉफ्ट लड्डू। ठंड में तिल के बहुत ही फायदे हैं। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए ठंड से बचाती भी है और कई रोगों से भी ये बचाती है। एकदम सॉफ्ट तिल मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 कप तिल लिए हैं। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे। जब तिल चटकने लगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तो समझिए कि तिल भून गया है। 4 से 5 मिनट में तिल भून जाता है। अब मेरा तिल भून गया है तो इसको दूसरे प्लेट में निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में 1 कप मूंगफली लेंगे, इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे। मूंगफली जब अच्छी तरह से भून गई है तो इसे भी दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली भूनते समय ही यहाँ पर हमने 100 ग्राम नारियल लिया था, उसको कद्दूकस कर लिया है। मूंगफली जब ठंडी हो जाए तो उसका भी छिलका हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में नारियल को जो हमने कद्दूकस किया था उसको भी डाल करके धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे भी प्लेट में हम निकाल लेंगे। भुने हुए तिल में से 1/2 कप खड़ा तिल निकाल लेंगे और तिल को मिक्सी जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तिल्ली जब हल्का सा मेरा दरदरा ग्राइंड हो जाएगा तो उसी मिक्सी के जार में मूंगफली को भी दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं तो सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब सभी चीज़ों को हम बड़े बर्तन में निकाल कर तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने गुड़ 1/2 kg लिया है, कप से 2 कप लिया है। अब कढ़ाई में 3-4 चम्मच पानी डाल करके गुड़ डालेंगे। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है जिससे जल्दी मेल्ट हो जाए। अब लगातार धीमी आंच पर चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे। जब गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो तुरंत ही गैस को ऑफ कर देंगे। जिस बर्तन में तिल मूंगफली निकाले हुए हैं उसी के बीच में मेल्ट किया हुआ गुड़ को छन्नी से छानते हुए डाल देंगे। गरम ही गरम सभी चीज़ों को मिला देंगे।
जब सभी चीज़ अच्छी तरह से मिल जाए तो उसके अब हम लड्डू बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हम साइज़ के अनुसार, जैसे आपको बड़ा या छोटा बनाना हो उस हिसाब से लड्डू बना देंगे। यहाँ पर मेरे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना हुआ है, आप भी बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।